और ये रखना अपना माउंट साइड का ऑटो। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग वीडियो होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझको रिकमेंड किया कि मोटो ब्लॉगिंग वीडियो लाओ, मोटो ब्लॉगिंग वीडियो लाओ। तो ये रही मेरी डीजल बुलेट और ये रही मेरी पेट्रोल बुलेट, ये रही मेरी स्कूटी और ये रही मेरी जीप और बाकी सारी गाड़ियाँ बाहर गई हुई हैं। तो मैं आज डीजल बुलेट से जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट साइड और उसमें बैटरी डलवाना है, क्योंकि मैंने पेट्रोल वाली बुलेट की बैटरी निकलवाई थी, उसमें नहीं लगवा दी थी, उसमें पुरानी बैटरी पड़ी हुई थी मेरे पास। तो मैं सोचा कि इसमें लगवा देता हूँ, जो भी होगा तो देखा जाएगा, है ना। इसको स्टार्ट करते हैं पहले। ओह यो यो यो, चलो यार अभी हम लोग घर से निकलते हैं। ओह हो, फर्स्ट पिकअप। तो यार मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग वीडियो है, तो आप सब बताना यार कि कैसा लगा आप सबको वीडियो, है ना। और मुझको वीडियो बनाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सब यार कमेंट में मुझको बताना कि कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। एकदम अंधे मोड़ है यार, यहाँ पे कुछ समझ में भी नहीं आता कि कैसे बाइक चलाऊँ मैं। तो दोस्तों अभी हम लोग को चलना है मार्केट, तो हम लोग चलते हैं मार्केट। ये मेन रोड आ गई है और मेन रोड जितनी ज़्यादा मेन है वो मुझको ही पता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है इस रोड की। पीछे मेरा नमन सोच रहा होगा कि यार ये क्या बातें कर रहा है। वैसे उसने भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं वीडियो इसी वीडियो में ऐड कर दूँगा, तो आप सब उसका भी वीडियो चेकआउट कर लेना, है ना। और ये है TVS की स्कूटी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना गाइस। स्पीड में हम आपको आवाज़ चेक करा देते हैं एक बार, और आप सब उसके बारे में जो भी बोलना चाहते हो तो बोल देना। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट और इसमें लगवाएंगे बैटरी, फिर देखते हैं कि बैटरी लगवाने से इसकी लाइट थोड़ा तेज़ होती है या नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी तक ये गाड़ी बिना बैटरी के ही थी। और सबसे ख़ास बात इस बाइक की ये है कि ये बाइक बिना बैटरी के ही स्टार्ट हो जाती है, बिना बैटरी के ही लाइट भी जलती है, पर लाइट बहुत ही ज़्यादा धीरे रहती है इस बाइक की, है ना। तो फटाफट से चलते हैं मैकेनिक के पास और इसमें बैटरी सेट करवाते हैं अपन, है ना। तो ये रहे हमारे मैकेनिक भाई साहब, बैटरी लगवाने आ चुके हैं और ये रखना अपना माउंट। तो यार बैटरी तो फिट नहीं हो पाई, पर मैंने इसमें नई टी लगवा दी है। तो यार इसमें नई टी लगवा दी क्योंकि यार पुरानी वाली ख़राब थी, है ना। तो अभी निकलते हैं घर अपन। क्या था दोस्तों कि बैटरी फिट करने बस नहीं होता है, क्योंकि मुझको डायरेक्ट लाइट करवानी थी अपनी, जैसे लाइट जो है तो वो बैटरी से चले, है ना। तो उनके पास अभी थोड़ा टाइम नहीं था, दो तीन गाड़ियां उनके पास खड़ी हुई थी और मेरे पास भी टाइम नहीं था, तो मैंने बोला कि ठीक है बाद में लेके आऊँगा, तो आप बैटरी सेट कर देना। फ़िलहाल के लिए दोस्तों मैं इसमें नई टी लगवा दिया हूँ, पेट्रोल मतलब डीजल टी, पेट्रोल वाली का ही इसमें टी लग जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसका पेट्रोल गाड़ी का ही लग जाता, जो पेट्रोल वाली ऑड मॉडल आती थी उसी के से पार्ट सारे सेट है। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार डीजल बुलेट में ये होती है कि इसके मैकेनिक इजली मिलते नहीं हैं, कभी मिलेंगे तो सही काम नहीं करते हैं, और मेरे घर से कम 100 किलोमीटर दूर मुझको जाना पड़ेगा इसको ले करके, तब जाके इसकी सर्विस अच्छे से होगी, इसका टैपिट वगैरह अच्छे से सेट होगा। और दोस्तों यार मैं जल्दी ही पेट्रोल वाली बुलेट का भी लेके आऊँगा वीडियो, मोटो ब्लॉगिंग वीडियो, क्योंकि यार उसमें थोड़ा ज़्यादा पिकअप है और ज़्यादा मज़ा आता है उसको चलाने में। मज़ा तो इसमें भी आता है, इसका अपना अलग मज़ा, उसका अपना अलग मज़ा है, जितनी ज़्यादा विंटेज बाइक उतना ज़्यादा ही मज़ा रहता है इन सब बाइकों में। साइड का ऑटो,
इसकी आवाज़ इतनी लाउड है कि ऑटो वाला खुद ही साइड हो जाता है। करते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है गाड़ी, है इसको आप मॉडिफाई क्यों नहीं कराते हो। अरे करवाएंगे यार, मेरा भी मन नहीं, मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ इसके लिए। समझ में आई बात ना? तो अभी आ चुके हैं घर अपन हम, और बब्बा लोग मेरे बैठे हैं, और मेरी पेट्रोल वाली बुलेट भी इधर खड़ी हुई है।